जीवन के सभी मुश्किलों से उबारता है भगवान का यह चमत्कारी महामंत्र। सनातन परंपरा में गौ, गीता और गायत्री का अत्यधिक महत्व है। गीता के महात्म्य में उपनिषदों को गौ और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को जो उपदेश दिया था वे आज श्रीमद् भगवद् गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। महाभारत में यह ज्ञान 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में वर्णित है। भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 में वर्णित इस उपदेश को गीता, भगवद गीता या श्रीमद् भगवद गीता नामों से जाना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान का गाया हुआ वह ज्ञान है जो आज भी लोगों को सही दिशा दिखाता है। जिस तरह आज हम कई बार तमाम कारणों के चलते अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और हार कर समस्याओं से पलायन करने लगते हैं, उसी प्रकार महाभारत के युद्ध के समय निराश असमंजस की स्थिति में दिखाई देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो दिव्य ज्ञान दिया वे गीता के रूप में हमारे सामने है। जीवन के लिए क्यों जरूरी है गीता? कलयुग की आपाधापी भरी जिंदगी में आखिर क्यों जरूरी है गीता का पाठ? इसे जानने के लिए आपको गीता का सिर्फ पठन नहीं बल्कि मनन करना होगा। दरअसल जब कभी कोई व्यक्ति कर्तव्य पथ पर चलते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक या ऐसे किसी विचार व्यूह में उलझता है तो उसे इसके माध्यम से सही रास्ता प्राप्त होता है। जीवन के उस मोड़ पर जब व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सूझता और वह खुद को तमाम समस्याओं से घिरा पाता है तो कर्तव्य अकर्तव्य के असमंजस में फंस जाता है। उस मुश्किल समय में श्रीमद् भगवद् गीता उसका हाथ थामती है और मार्गदर्शन करती है। भारत की सभी परंपराओं में है स्वीकार्य। श्रीमद् भगवद् गीता जिसे समान से गीत उपनिषद भी कहा जाता है भारतीय धर्म, दर्शन और अध्यात्म का सार है। जो वेद ज्ञान नहीं पा सकते, दर्शन और उपनिषद का स्वाध्याय नहीं कर सकते, भगवद् गीता उनके लिए अतुल्य संबल है। सबसे बड़ी बात यह कि यह भारत की सभी धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं में सहज स्वीकार्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वेद से लेकर दर्शनों के सिद्धांतों और उपनिषद से पुराणों तक की कथा वस्तु को अपने में समेटे हुए है। न इसका किसी मत से विरोध है और न किसी सिद्धांत से वैमनस्य। अपने तार्किक सिद्धांतों और व्यावहारिक उपदेशों से गीता भारत से बाहर भी मान्य और सम्मानित है। विद्वानों ने अलग अलग तरीके से की है व्याख्या। श्रीमद् भगवद् गीता के दिव्य ज्ञान को लोगों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की है। यही इसकी खूबी है कि इसे आप जितनी बार पढ़ते हैं आपको उसका एक अलग ही आध्यात्मिक अर्थ समझने जानने को मिलता है। शायद यही कारण है कि गीता के अमृत वचन को आम लोगों के लिए सरल रूप में उपलब्ध कराने के लिए कभी आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, भास्कराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, विनोबा भावे जैसे मूर्धन्य विद्वानों ने एक अलग तरीके से व्याख्या की थी। तब से लेकर आज तक यह क्रम जारी है। विश्व में अपने प्रकार की अनोखी है ये गीता। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य ज्ञान वाली श्रीमद् भगवद् गीता आज हमारे सामने कई स्वरूपों में मौजूद है। मसलन कहीं किसी ने उसे काव्य रूप में प्रस्तुत किया है तो किसी ने दुनिया की सबसे बड़ी गीता बनाकर अपनी भक्ति को भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया है। दुनिया की सबसे बड़ी और भारी श्रीमद् भगवद् गीता की बात करें तो यह इटली के मिलान शहर में बनी है। इसका वजन 800 किलो है। संस्कृत भाषा में तैयार इस किताब में कुल 670 पेज हैं। इसे बनाने में करीब 2.5 साल का लंबा वक्त लगा है। यह इतनी भारी है कि इसके एक पन्ने को ही पलटने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। इसे बनाने में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। किसी भी रचना अथवा कृति का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद होना तो साहित्य सृजन की दृष्टि से एक आम बात है, लेकिन भाषा के बगैर उसका भावार्थ बदले उसे दुनिया भर के लोगों के लिए प्रस्तुत करना एक अद्भुत कार्य है। श्रीमद् भगवद् गीता को हर आम और खास तक एक सरल सहज काव्य में पहुंचाने का कार्य एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के तौर पर सेवारत पवन जुगल किशोर तिवारी ने किया है। श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए दिव्य वचनों को उन्होंने 700 दोहों में आत्मतोषणी गीता नाम से प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भगवद् गीता के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को प्रकट करते हुए पीयूष गोयल ने उलटी गीता ही लिख डाली। यह एक ऐसी गीता है जिसे सामान्य रूप से देखने में भले ही आपको कुछ समझ नहीं आए, लेकिन आईने के सामने ले जाते ही सब कुछ स्पष्ट पढ़ने को मिलने लगता है। इसके सारे अक्षर सीधे नजर आने लगते हैं। पीयूष गोयल ने गीता के सभी 18 अध्याय 700 श्लोक अनुवाद सहित हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा है।